दोस्तों, केला एक ऐसा फल है जिसे ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। केला के स्वास्थ्य लाभों के बारे में हम सभी जानते हैं। केला पूरी दुनिया में सर्वाधिक खाया और पसंद किया जाने वाला फल है। केला में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। कच्चे और पके केले से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। केले में थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। केला मसल्स बनाने में मददगार माना जाता है। लेकिन क्या आप इसके नुकसान जानते हैं? जी हाँ, केले का ज़्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं केला खाने के नुकसान के बारे में। एक मध्यम आकार के केले में 105 कैलोरी होती है। तो अगर आप हर कुछ घंटों में एक कम कैलोरी वाली चीज़ खाना चाह रहे हैं तो केला बिल्कुल भी अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। स्टार्च में उच्च होने के नाते केला गंभीर दांत क्षय का कारण हो सकता है। यदि आप उचित दंत स्वच्छता नहीं बनाए रखते हैं, स्टार्च मुंह में धीरे धीरे घुलता है जबकि शक्कर जल्दी घुलता है। इसलिए जब आप केले जैसे खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके कंद दांतों के बीच लगभग 2 घंटों के लिए रह जाते हैं और इस प्रकार अधिक बैक्टीरिया को आकर्षित करते हैं। इसका परिणाम अधिक गुहाओं के रूप में दिखता है। केला ट्रिप्टोफन से समृद्ध है जो एक एमिनो एसिड है और आपके मानसिक प्रदर्शन और प्रतिक्रिया समय को कम कर सकता है, साथ ही आपको सुलाता है। केले के अंदर मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और इन्हीं गुणों के कारण केला रात को सोने से पहले खाना अच्छा माना जाता है। केले में एमिनो एसिड टायरोसिन है जो शरीर टायरामिन में परिवर्तित करता है। टायरामिन कुछ लोगों में माइग्रेन का कारक हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप केले को अपने आहार से बाहर रखें। यदि आप माइग्रेन से पीड़ित हैं, अपने चिकित्सक से पूछकर सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ सूत्रों का कहना है कि एक आधा केला दैनिक खा सकते हैं जबकि दूसरों का कहना है कि केला एक टायरामिन आहार पर खा सकते हैं। वह व्यक्ति जिन्हें लेटेक्स से एलर्जी है वे केले के लिए भी अति संवेदनशील होते हैं। घरघराहट, नाक बहना, खांसी, गले में खुजली और आँख से पानी बहना जैसे लक्षण इस एलर्जी के साथ आम है। यदि आप पर्याप्त रूप से परिपक्व केले नहीं खा रहे हैं तो आपको एक गंभीर पेट दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आप पेट में दर्द के साथ मतली भी अनुभव कर सकते हैं। कच्चे या हरे केले प्रतिरोधी स्टार्च में समृद्ध है जो कब्ज का खतरा बढ़ा सकते हैं। एक उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन टाइप 2 मधुमेह, मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए आपको केले का सेवन विनियमित करना चाहिए। ज़्यादा पके केले के साथ यह होने की संभावना अधिक है क्योंकि उनका उच्च ग्लाइसेमिक सूचकांक दूसरे केलों की तुलना में ज़्यादा है। यदि आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो केले का सेवन न्यूनतम करें। आहार में ज़्यादा पोटेशियम आपके गुर्दे पर ज़्यादा दबाव डाल सकता है। अधिक खून बाहर निकलने के लिए यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हालांकि हम आपको केले के नुकसान बता रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब ठीक मात्रा में खाए जाए तब केले आपकी सेहत के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। बस कोई स्वास्थ्य चिंता का विषय ना हो जिसका ध्यान रखते हुए आपका केले के खाने की अनुमति ना हो। तो दोस्तों, यह थे केला खाने के नुकसान। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।